24 इंडिया टीवी झारखंड बिहार। पूर्व विधायक अरूप चटाजी के नेतृत्व में मासस कार्यकर्ताओं ने की एमपीएल सिलो पॉइंट गेट जाम, जो लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। दरअसल खबर धनबाद जिला क्षेत्र के एमपीएल की है, जहां एमपीएल के एश पॉइंट में कार्यरत स्थानीय 24 कर्मियों को कार्य से बैठा देने की विरोध के साथ उन सभी कर्मियों को पुनः कार्य में बहाली और बकाया भुगतान के साथ अन्य कई प्रकार के मांगों को लेकर पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में सैकड़ों मासस कार्यकर्ताओं के द्वारा एमपीएल सेलो पॉइंट गेट को पिछले 26 दिसंबर से जाम कर दिया गया है, जो आज भी जारी है। जहां मासस समर्थक एमपीएल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना मांगे पूरी करने की जिद पर अडिग रहे। वही मौके पर पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने बताया कि विस्थापित, गैर विस्थापित तथा सेलो पॉइंट में कार्यरत 24 मजदूरों को जब तक एमपीएल नियोजन नहीं देता है, गेट जाम जारी रहेगा। वही आपको बता दें कि दूसरी ओर झामुमो समर्थकों ने गेट जाम को लेकर पुरजोर विरोध करते हुए अविलंब जाम को हटाने की मांग करने लगे, साथ ही नारेबाजी भी करते हुए नजर आए। जहां झामुमो समर्थकों ने कहा, हमारे परिजन ग्रामीण सेलो पॉइंट में काम करते हैं, जहां गेट जाम कर देने से रोजगार बाधित हो रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर गेट जाम को नहीं हटाया गया तो झामुमो करेगी उग्र आंदोलन। धनबाद से हमारे सहयोगी बुबई घोष की रिपोर्ट। पिछले कई एक महीनों से हम लोग नोटिस दे रहे हैं और इस जो यहाँ की गैर की नौकरी, गैर विस्थापितों की नौकरी और इसके साथ साथ जो 24 छत्तीसगढ़ का जो यहाँ से सेलो पॉइंट में जो काम कर रहे थे उनको हटा दिया गया। जो पैप की देहांत होगी उसके विरुद्ध में उनके जो आश्रित थे उनको नौकरी, ये तमाम चीज़ों को मिलाकर जिस तरीके से शटडाउन में बाहर से 2200-2300 लोगों को ले आते हैं और उसके बाद यहाँ के लोकल 100-120 के करीब लेते हैं, तो इस चीज़ को भी ख़त्म करना है। हम लोगों की मांग है जो शटडाउन हो या दूसरा कोई भी काम हो यहाँ के लोकल लड़का लोगों का। सर, राजनीतिक दृष्टिकोण से निरसा विधानसभा में ऐसा क्या कुछ कमी है जिसके कारण से एमपीएल अपने मनमानी रवैया को चलाने में सक्षम दिखते हैं? देखिए, राजनीतिक रूप से यहाँ समन्वय की कमी है और कुछ लोग यहाँ एमपीएल की दलाली में लगे हुए हैं। अब देख रहे होंगे जो पिछले 45 दिनों से जो मेन गेट में जो जाम, आज हम लोग जब यहाँ कुछ मांगों को लेकर एमपीएल के विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो लोग यहाँ पर आके बैठ गए। उसका मतलब ये है जो वो लोग एमपीएल के समर्थन में यहाँ पर आए, यहाँ के लोकल लोगों के समर्थन में नहीं आए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी।